तुम्हें कहीं जाना है क्या? बाजी तुम क्यों रो रहे? हाय, ये लड़का मुझे कब से छेड़ रहा है? आप प्लीज मेरी मदद कर दें। बाजी रक्षे में बैठो, हम तुमको छोड़ते हैं। जल्दी हिफाजत से, तुम्हारा खाना खराब। बाजी हम तुमको छोड़ देगा। सुने जी, आपके पास फोन होगा? हाँ बाजी है। रामीन के हवाले से कोई अपडेट? नहीं, अब तक हम उसे ट्रेस नहीं कर पाए सर। वैसे आप परेशान ना हो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आपको एक खास बात बतानी है सर। बोलो। जो लोग कल रात पकड़े गए थे सर, उनमें से एक शख्स ने अदनान हाशमी के एक्सीडेंट का इकरार किया है सर। और वो ये मान चुका है सर। ये काम भी अमजद ने ही कराया है। गुड, यानी अमजद के गिर्द फंदा पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब हमें मजीद देर नहीं करनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि हो ना हो, रामीन की गुमशुदगी में भी अमजद का ही हाथ है। तो फिर देर किस बात की है सर? सबूत हमारे पास है, गवाह हमारे पास है, तो फिर धरते हैं इसको। सजल कहाँ है? नजर नहीं आ रही। ऊपर कमरे में है। हाँ, परेशान हो गई है बेचारी। मेरी बच्ची को तो जैसे किसी की नजर ही खा गई। चलो तसल्ली रखो, अल्लाह बेहतर करेगा। रामीन, रामीन, रामीन बेटा, तुम आ गई? तुम कहाँ चले गई थी? सब लोग कितना परेशान हुए। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ रामीन बेटा तुम वापस आ गई। हमने कहा है फातिमा, फातिमा भाभी वो नमाज। जब पता था कि तुम जरूर आओगी। मेरा नाम मेरी दुआएं कभी आएगा। देखो देखो मेरी बेटी मेरे पास वापस आ गई है, मेरे पास वापस आ गई। कहाँ चली गई थी? मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? आपके लिए अम्मी, इस घर के लिए, आप सबके लिए।
मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इतने सालों में ऐसा हुआ क्या है जो मेरा घर बिखर के रह गया है। रेहान चाचू का कत्ल हो गया, पापा जेल चले गए और आप आंसू बहाती रही और दादू लेकिन अब मैं जान गई हूं कि वो कौन शख्स है जो हमारे घर को बर्बाद कर रहा है। अरे बेटा तुम किसकी बात कर रही हो बेटा? अमजद की। नहीं बेटा, अमजद रामीन क्या कह रही है? हाँ अम्मी, यही वो शख्स है जिसने हम सबको बर्बाद किया। इसी ने अदनान का एक्सीडेंट करवाया और इसी ने मुझे यहां से अगवा करवाया क्योंकि मैं इसकी असलियत जो जान गई थी। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। अदनान का एक्सीडेंट? हाँ अम्मी, अदनान का एक्सीडेंट अमजद ने ही करवाया है। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है अमजद। इस घर में आज तक जितनी भी आफतें आई हैं, उन सब में किसी न किसी तरह अमजद ही मुलव्वस है। चाहे वो ऑफिस में आग लगना हो, रेहान का कत्ल हो, यूसुफ अंकल पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भिजवाना हो। ये सब किया धरा अमजद का ही है। फैक्ट्री पर कब्जा और जायदाद हथियाने के चक्कर में इसने पापा और रेहान चाचू को आपस में लड़वाया और जब रेहान चाचू को इसकी असलियत का पता चल गया तो इसने उसे भी कत्ल कर दिया। बोलो, अब बोलते क्यों नहीं हो? अमजद, क्या कह रहे हैं ये लोग? ठीक कर रही है। जो कुछ किया वो मैंने ही किया, तो क्या गुनाह किया मैंने? हाँ, क्या गुनाह किया? बचपन से लेके आज तक मुझे सिर्फ महरूमियां मिली। जो कुछ मिला सिर्फ तुमको मिला। हर मुकाम पे, हर जगह पर मुझे पीछे धकेल कर हर अच्छी चीज पे तुमने कब्जा किया। मुझसे पहले हर चीज पे तुमने अपना हक जताया। सारी जायदाद सुल्तान साहब के नाम है और देखते ही देखते ना किसी दिन मर जाएगा वो। मेरी बात सुन, तू अभी सही अपना बंदोबस्त कर ले, समझी? और ये सब कुछ मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं किया, तुम इस गुनाह में बराबर की शरीक हो। इस घर को बर्बाद करने में, तबाह करने में आज तक तुमने मेरा साथ दिया। बल्कि तुम तो मुझसे बड़ी गुनाहगार हो, क्योंकि तुम चाहती थी कि तुम्हारा भाई तुम्हारे टुकड़ों पे पले। जब तुम मालकिन बनेगी तो क्या गजब ढाएगी? अरे तेरे कहर से डरेंगे लोग। ये तूने हुक्म दिया वो तेरा काम हुआ, ये तूने पानी मांगा और ये शरबत हाजिर। सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे तुम हिलाता फिरे और तुम मुझे धुतकारती रहो।
कुर्सी चाहे कोई भी हो, उस पे बैठने के लिए पिछले वाले को उठाना ही पड़ता है। पर ये लोग सोचते हैं कि मैंने रेहान को मारकर तुम पे बहुत जुल्म किया। तुम लोग नहीं जानते कि इसने रेहान से शादी इसी जायदाद और इसी कारोबार के लिए की, इसीलिए फांसा था इसने उसे। तुम खुश नहीं थी उसके साथ। अमजद, अगले हफ्ते रेहान की बरसी है तो क्या हुआ? इतने साल गुजर गए लेकिन आज भी रेहान के नाम पे तुम कितना दुखी हो जाते हो। एक बार बोल देती मैं तुम्हें सब कुछ दे देती, लेकिन मेरा घर तो ना उजाड़ते, बर्बाद कर दिया तुमने सब कुछ। रेहान को मार दिया, अदनान के साथ क्या किया, बर्बाद कर दिया तुमने, उजाड़ दिया मेरा घर, मेरे बच्चों को बर्बाद कर दिया, मुझे तुमने उजाड़ दिया, मुझे बर्बाद कर दिया सब। तुम्हारे खिलाफ मेरे पास अरेस्ट वारंट है। यू आर अंडर अरेस्ट। भाई ठीक तो है ना? क्या हुआ उन्हें? वो अब तक उसी ट्रामा में है, तकलीफ की वजह से उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। बारल मैंने ऑक्सीजन दी है, अब उसकी तबीयत नॉर्मल है। डॉक्टर साहब, मेरे भाई को कुछ होगा तो नहीं? डोंट वरी यंग मैन, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। भाई ये सब क्या है? ले चलो। दानियाल, अम्मी का फोन आया था, रामीन मिल गई है। मैं घर जा रहा हूँ, तुम यहाँ अदनान का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। आज तक तो ये पूछा था कि अब पैसों के लालची है, लालच के नशे में अंधे होकर वो अपनों का खून कर देंगे, अंदाजा भी नहीं था मुझे। ये सब मेरी गलती है बेटा। काश काश तेरे बाप को मैं उस वक्त रोक लेती जब वो अपनी बहन के साथ मिलके साजिशें करता था, कि मैं भी अकल की अंधी हो गई थी, उसकी बातों में आ गई। अंदाजा भी है इस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। किया क्या आप लोगों ने मेरे साथ? जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी। जब तक
और तुम्हारा स्कूल बैग सब मैंने संभाल के रखा है आज तक, जैसे तुम छोड़ के गई थी बिल्कुल वैसे वैसे। आपने मेरी उन यादों को इतने अरसे तक संभाले रखा, मेरी उन चीजों को अपने सीने से लगाए रखा, आपको मेरे वापस आने का इतना यकीन कैसे था? भी मुझे अपने रब पे यकीन था, अपनी दुआओं पे और अपनी मोहब्बत पे, और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन को टूटने नहीं दिया। अच्छा बस सब चुप कर जाओ, अब तुम मेरे पास आ गई हो ना, तो तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, अपने पास संभाल के रखूंगी, कहीं नहीं जा रही तुम। सलमान सलमान देखो देखो, हमारे रामीन हमारे पास आ गए, रात सोनी हो गई हमारे रामीन। क्यों दूर जाके सो गई है माँ, तारा तारा झिलमिलाए, काश लोरी तू सुनाए, तारा तारा झिलमिलाए, काश लोरी तू सुनाए, पास आती क्यों नहीं तुम्हारा, क्यों दूर जाके सो गई है माँ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो